हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज आपको दिखाने वाला है सीधे एलएसी के करीब मौजूद फॉरवर्ड बेस से ग्राउंड रिपोर्ट। सर्दियों में चीन से टकराव के लिए क्या है भारतीय सेना की तैयारी, किन हथियारों को सीमा पर कर दिया गया है तैनात और किस तरह मुख्य बेस से सीमा पर मौजूद सैनिकों को भेजे जा रहे हैं हथियार। नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में सर्दियां आने वाली हैं। मौसम अभी से ठंडा हो चुका है लेकिन वहां का माहौल फिलहाल बेहद गर्म है। आसमान में लगातार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और नीचे जमीन पर बोफोर्स तोपें तैयार की जा रही हैं। चीन से चल रहे टकराव के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत पहुंच चुके हैं चीन सीमा से सटे फॉरवर्ड बेस पर, जहाँ बोफोर्स तोपें गरजने के लिए तैयार हो रही हैं। इस वक्त हम एक ईएमई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट की सेंटर में है, जो एक वर्क्स जो रिपेयर सेंटर है वहां पर ये बोफोर्स तोप है, जो बताती है कि बोफोर्स तोप इस वक्त भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात कर रखी है। उसमें अगर कोई कमी आती है, क्योंकि बहुत पुरानी ये गन्स है लेकिन इन पर सबसे ज्यादा विश्वास अगर भारतीय सेना करती है अपने तोप खाने पर, आर्टिलरी पर, तो इन बोफोर्स तोप पर करती है। और देखिये यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही है और इसके बाद रिपेयर होते ही ये फिर एक बार ये जो बोफोर्स तोप है फिर चली जाएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर। बोफोर्स तोपों को स्वीडन से खरीदा गया था। इन्हें 6 सदस्यों का दल ऑपरेट करता है। ये 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती हैं। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त मारक क्षमता है। करगिल युद्ध के दौरान इन्हीं बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी बंकरों को इसी बोफोर्स ने तहस नहस कर दिया था। बोफोर्स तोपों के अलावा यहीं पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद थी। दुश्मन के विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर ड्रोन हो, कोई भी बचकर ना निकल पाए, इसके लिए इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी तैयार कर दिया गया है, ताकि जब जरूरत पड़े तो इससे निकली गोलियां दुश्मनों को जमीन पर गिरा दे। ये एडी गन है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये दरअसल इसलिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर अपने जो सैन्य छावनी होती है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होता है, तो वहां पर इसको तैनात किया जाता है ताकि कोई दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आई थी फील्ड से आई थी और उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है और यहां से ठीक होने के बाद एक बार फिर से इसको तैनात कर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन एडी गन्स का इस्तेमाल जो हवा में अगर कोई दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है यानी कि फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई हेलीकॉप्टर या ड्रोन आ रहा है, उसको मार गिराने के लिए ही इस एडी गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूस से ली गई ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसे 2 लोगों का दल ऑपरेट करता है। इसका रेट ऑफ फायर है 400 राउंड्स प्रति मिनट और इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज की जरूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाए। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है, जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। ये तो सिर्फ झलक भर थी। इसके अलावा और भी दूसरे हथियारों को एलएसी पर मौजूद सैनिकों के पास पहुंचाया जा चुका है। सर्दियों में चीन से सामना करने के लिए सीमा पर मौजूद सैनिक भी तैयार हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए मुख्य बेस पर मौजूद सैनिक भी। लेह से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि बात सिर्फ हथियारों की नहीं होती है, सबसे बड़ी चुनौती है मौसम।
क्योंकि जब तापमान शून्य से 50 डिग्री नीचे चला जाए और मोर्चा हजारों फीट ऊपर पहाड़ की चोटियां पर, तो समझ लीजिए युद्ध कितना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय सेना ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। कैसे, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। -40 डिग्री तापमान, 18,000 फीट जमीन से ऊपर और 6 महीने तक सीमा पर तैनाती। सोचिए जब तापमान -40 डिग्री हो तब उसमें हमारे देश के जवान कैसे रहते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत फॉरवर्ड बेस पर मौजूद एक ऑर्डिनेंस डिपो पर पहुंचे। वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल मोनार्क साथ ने बताया कि ठंड और सर्द हवाओं से सैनिकों को बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई अल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इश्यू किए जा चुके हैं। तो जिन टेंट्स की बात कर्नल मोनार्क ने की, वो करीब से कैसे दिखते हैं, उनमें क्या खास है, इसे दिखाने के लिए नीरज राजपूत सबसे पहले पहुंचे इस खास टेंट में, जिसे 2 सैनिकों यानी बड़ी पेयर्स के साथ रहने के लिए बनाया गया है। 2 जो सैनिक है वो आराम से इस टेंट के अंदर रह सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेयर है, डबल लेयर है, इसको बंद कर सकते हैं, पानी भी नहीं आएगा, बरसात होती है और एयर के लिए ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर होल्स बनाए हुए हैं, खिड़की की तरह बनाए हैं। तो ये छोटा टेंट है, सबसे छोटा टेंट है। ये टेंट उन सैनिकों के काम आते हैं जो फॉरवर्ड बेस के करीब रहते हैं। इसके बाद नीरज राजपूत उस मीडियम टेंट में पहुंचे जिसे खास तौर पर 15 से 20 सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया है। और इस टेंट में खास तौर से जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि अंगीठी है या स्टोव है, वो सब इसके अंदर रहता है। सोलर लाइट से भी चलते हैं। 15-20 सैनिक आराम से इसमें रह सकते हैं और कितने भी दिन रह सकते हैं, बारिश से भी बचाव रहता है। ये हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है उस ऑल्टीट्यूड में जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात हैं। ये टेंट उन इलाकों के लिए है जहाँ थोड़ी कम ठंड पड़ती है, यानी जहाँ तापमान -10 से -20 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल टेंट है ये सफेद रंग का टेंट, इसे आर्कटिक टेंट कहते हैं। ये ऊपर से वाटरप्रूफ है और अंदर से इसमें क्विल्टिंग की गई है, तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी ये हमारे जवान को बखूबी सर्दी का सामना करने का हौसला देता है। ये टेंट -40 से -50 डिग्री तापमान में सैनिकों को सुरक्षित रखता है। इसमें 6 से 7 सैनिक आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा सैनिकों के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म का इंतजाम भी भारतीय सेना कर चुकी है। इसमें खास ऐसी जैकेट्स और ट्राउजर्स हैं जो -40 डिग्री में भी शरीर को गर्म रखते हैं। काफी हद तक इसमें ठंड जो है बचाई जा सकती है। जैकेट्स हैं, ये देखेंगे स्पेशल जैकेट्स उनके हैं। बूट्स अगर आप देखें तो ये बूट्स भी हैं स्नो में चलने के लिए, क्योंकि बर्फबारी भी होती है पूर्वी लद्दाख में। इसके अलावा एक सफेद रंग की भी यूनिफॉर्म है जो बर्फ में कैमोफ्लॉज का काम करती है, यानी इन्हें पहनने वाला सैनिक सफेद बर्फ के बीच जल्दी नजर नहीं आता। कैमोफ्लॉज यानी कि आप जो है दुश्मन को चकमा देते हैं कि आपने इस तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी है कि वो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरह की है। इस ठंड में जो जैसे कि हमें बताया गया है कि -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर तक जो हमारे सैनिक हैं वो इस टेम्परेचर में रह सकते हैं। स्पेशल क्लोथिंग होती है, 21 तरह के इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग उनको पूरी दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी जब वो दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हो उनको ना हो। 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में रहने पर सबसे ज्यादा खतरा पैरों की उंगलियों को होता है, क्योंकि ये फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाती है। इससे बचाने के लिए खास तरह के बूट्स यानी कि जूते हैं। ये व्हाइट बूट्स जो हैं, ये थर्मोपाइल होता है इसके अंदर, दरअसल ये स्नो बूट्स भी इनको कहा जा सकता है। और ये स्नो बूट्स इसलिए क्योंकि बर्फ में जो सैनिक है फिसलते नहीं है, स्केट नहीं करते हैं, और इसके अंदर क्योंकि बर्फ में ठंड में जो फ्रॉस्ट बाइट होने का यानी कि जो पैर जो है गलने लगते हैं सैनिकों के, उससे ये बचाता है। और ये देखिए ये गॉगल्स हैं, ये क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, सफ़ेद होती है, तो इस तरह के गॉगल्स, ये अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड जो गॉगल्स हैं ये सैनिकों के दिए जाते हैं। जो हमें जानकारी मिली है ग्लव्स हैं, कुल मिलाकर 21 तरह के ये क्लोथिंग्स इक्विपमेंट्स उनको दिए जाते हैं, जिसमें उनके स्केटिंग करने का के लिए भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। अनुमान के मुताबिक भारत के 40 से 50 हजार सैनिक इस वक्त पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। इसीलिए भारत के लिए इन अतिरिक्त सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय सेना ने यह काम पूरा कर लिया है। लेह से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।